स्टूडेंट्स, सागर लुन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो है एमएस डॉस के बारे में। आज हमारा जो है तीसरा टॉपिक है, तीसरा पार्ट है वीडियो का। तो वीडियो के तीसरे पार्ट में आज हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, लाइक नेटवर्किंग के बारे में, जैसे कनेक्टिविटी किसी से चेक करनी हो, DNS वगैरह चेक करना हो, IP चेक करना हो, MAC एड्रेस चेक करना हो, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चेक करनी हो, तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको वही सेम एमएस डॉस आपको ओपन करना है और एमएस डॉस में आपको कमांड डालनी है, जैसे कि सबसे पहली चीज मुझे चेक करनी है सिस्टम की इंफॉर्मेशन। तो SYSTEM सिस्टम इन्फो कमांड होती है सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। ये आपको सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन A to Z इंफॉर्मेशन दे देता है। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर से देख लेते हैं। तो होस्ट का नेम ये है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, मेरा चल रहा है, वर्जन कौन सा चल रहा है, मैन्युफैक्चर कौन है, स्टैंडर्ड ऑन जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑनर कौन है और प्रोडक्ट आईडी क्या है। प्रोडक्ट आईडी तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन की होती है वो, सिस्टम बूट किस टाइम पे बूट हुआ था, मैन्युफैक्चर और प्रोसेसर क्या है, और इसके अंदर ग्राफिक कार्ड वगैरह, बायोस के बारे में और विंडोज़ के बारे में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिजिकल मेमोरी आपकी कितनी है, वर्चुअल मेमोरी जो आपने कितनी अलाउट कर रखी है। मैंने Hyper-V यूज़ कर रहा हूँ, तो Hyper-V डिफ़ॉल्ट होता है इसके अंदर, वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। कैसे कर रखा है इसके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा कैसे करते हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, जैसे वर्चुअलाइजेशन वगैरह। तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, उसके बारे में आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में बता रखा है। ये कहाँ गया, ये रहा वर्चुअल मेमोरी मैक अवेलेबल इन यूज कितना कर रहे हैं, और ये Hyper-V यूजर डिटेक्टेड अ फीचर रिक्वायर्ड, Hyper-V विल नॉट बी डिस्प्लेड। और एक तो ये हो गई। अब जैसे मुझे मैक इन्फो, सबसे पहले IP की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। IP CONFIG IP config एक कमांड होती है जिससे IP की इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। तो IP config मैंने कमांड डाली, तो विंडो IP कॉन्फ़िगरेशन, ईथरनेट, मीडिया डिस्कनेक्टेड ये, और IP एड्रेस आपका कहाँ पे, IPv4 ये रहा मेरा एड्रेस, सबनेट मास्क मेरा ये है, गेटवे मेरा ये चल रहा है, और IPv6 का जो एड्रेस है वो ये है। और अगर पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो IP CONFIG / लगाया और यहाँ पे और लिखा, एंटर कर दिया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, जस्ट लाइक देखते हैं यहाँ पे ऑल डाला, हॉस्ट नेम क्या है मेरा, और नोड टाइप कौन सा है, IP राउटिंग एनेबल्ड है या नहीं है, विंस एन ए प्रॉक्सी, मीडिया कनेक्टिविटी, रियल टैग क्या है, फिजिकल का मेरा एड्रेस क्या है जिसे अब मैक एड्रेस कहा जाता है, और यहाँ पे फिजिकल एड्रेस माइक्रोसॉफ्ट वाईफाई डायरेक्टली, ये फिजिकल एड्रेस मेरा इसका वाईफाई का, वायरलेस लैन वाईफाई, ये आपका यहाँ पे DHCP अनेबल है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अनेबल है। अब बहुत सारी DHCP सर्वर क्या है, मतलब यहाँ पे क्या IP दे रखा है, DNS सर्वर का क्या चल रहा है, आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मैंने वर्चुअलाइजेशन एडाप्टर ऑन कर रखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कनेक्शन स्पेसिफाइड DNS Hyper-V वर्चुअलाइजेशन इथरनेट कनेक्शन पे से हो रखा है, फिजिकल एड्रेस इसका ये है, और DHCP अनेबल्ड, आप यहाँ पे IPv एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। और ये तो था IP config का। मुझे MAC एड्रेस चेक करना है, तो MAC एड्रेस के लिए यहाँ पे कमांड होती है get MAC, एंटर मारा और यहाँ पे आपका MAC एड्रेस आ गया। एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा get MAC का मैंने वो लगाया था कमांड, और यहाँ पे फिजिकल एड्रेस, मीडिया डिस्कनेक्टेड, और ये इसका आपका यहाँ पे जो है MAC एड्रेस दिखाई दे रहा है। और एक दो कमांड्स और देख लेते हैं, जैसे कि है सिस्टम इंफॉर्मेशन हो गया, MAC एड्रेस हो गया, और ट्रेसर्ट होता है एक कमांड, ट्रेसर्ट एक कमांड होती है। ट्रेसर्ट में अगर आपको इसमें हेल्प देखनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा और इसमें हेल्प देख लो। ये ट्रेसर्ट ऐसे यूज़ करते हैं हॉप्स वगैरह चेक करने के लिए, किस लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, डो नॉट रिजॉल्व IP एड्रेस, मैक्सिमम सर्च टारगेट, मतलब किसी की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और जैसे ड्राइवर की निकालनी हो, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, DRIVER ड्राइवर, QUERY ड्राइवर क्वेरी, आप यहाँ पे लिखते हैं, आपकी जितने भी ड्राइवर हैं सबकी जो आपकी इन्फॉर्मेशन ही आपको दिखा देता है ड्राइवर क्वेरी की कमांड से।
देखिए कब अपडेट हुआ था, क्या है कर्नल, क्या है सारी चीज़ें आपको ये बता देता है। और पिंग एक कमांड होती है, PING पिंग। जैसे मुझे चेक करना है www.googlegoogle.com से, यहाँ पे ये कनेक्टिविटी चेक करने लग जाएगा गूगल की। तो यहाँ पे आप देखेंगे गूगल का IP एड्रेस भी आ गया होगा। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अरे आता तो है google.com। IP नहीं आ लगता, कोई नहीं। और पिंग कमांड अगर आपको यूज़ करनी है, पिंग कमांड में और भी चीज़ें होती है, जैसे ए लगा दिया, सॉरी पिंग एक बार चेक कर लेते हैं क्या था। पिंग में कनेक्ट किया, अच्छा हाइफन ए है, सॉरी पिंग हाइफन ए www.facebook.com पे कनेक्टिविटी चेक करेगा। सॉरी गलती हो गई मेरे से, बाकी अभी देखिए कनेक्टिविटी जो है चेक करता रहेगा। अभी चेक करता रहेगा, अभी स्टॉप नहीं होगा। और एक और है जैसे TERFOMN, इससे क्या होता है आपकी जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए होता है। एक मिनट, गलत लिख दिया मैंने। एक विंडो ओपन हो गई, अब आप यहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए ये है, डाटा कलेक्टर सेट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो हमें ये चीज़ें चेक नहीं करनी, और हमें क्या करना है, एक होता है NS लुकअप। तो NS ये एड्रेस आ गया google.com का, ये नीचे है IPv4 में। तो दोस्तों आपको ये कमांड समझ में आ गई होंगी। और भी अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, मैं ऑनलाइन अगर आप चेक करें जो है इससे इंटरनेट से रिलेटेड जो है कौन कौन सी कमांड्स काम करती हैं, जो है ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा और आपको ये ऑनलाइन दिखा देगा कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करती हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आपको सिस्टम सीमा कमांड लिखनी है, जैसे IPCONFIG। मैंने IP कॉन्फ़िग लिखा, मुझे यूज़ करनी नहीं आती तो मैंने स्पेस दिया और क्वेश्चन मार्क का साइन लगा और एंटर कर दिया। अब इसे कैसे यूज़ करते हैं आपको यहाँ पे सारा दिखा देगा कैसे यूज़ करना है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाऊँ, DNS अगर फ्लश करना है तो आपका ये फ्लश DNS यूज़ होती है कमांड, DNS रिजॉल्वर कैश, कैश जो दोबारा से जो रिलीज कर देता है। बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं, डिस्प्लॉय, रजिस्ट्रेशन, DNS रिलीज, अडेप्टर। आप इसे यूज़ कर करके देखें, आपको तभी समझ में आएंगी। मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा जो अभी नेट चल रहा है, और जो DNS अगर मैं रिजॉल्व कर दूँ तो फिर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप वर्चुअल में करके देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।